दोस्तों स्वागत है आपको ड्राई स्पार्क में। मैं हूँ प्रोमीत एंड जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, पता नहीं आप इसे पहचान पाएंगे नहीं पाएंगे, ये काफ़ी एनक्लोज जगह पे है तो मैं घूम के वीडियो ले नहीं पा रहा हूँ, बट एक बार आप इसको साइड से भी देख लीजिए फिर गेस करिएगा कि ये कौन सी गाड़ी है। सो आई होप ने अभी तक ये गाड़ी पहचान लिया होगा, बिकॉज दिस इज दी H2K उर्फ हॉर्नबिल उर्फ HBX, जो जिस नाम से इसको अनवील किया गया है, अभी टाटा मोटर्स ने अनवील किया है इसको। सीसी दिस टाटा मोटर्स डिज़ाइन रिटर्न हो गया, और ये जो है ये एक फुल ब्लोन अप ऑफ रोडिंग वर्जन है, इसे आप देख सकते हैं। इतने ज़्यादा नॉबी टायर्स, लगेज कैरियर ऊपर, जेरी कैंस, स्पेयर व्हील जो कि डिक्की में फिट नहीं होगा तो कि ऊपर रखा गया है, एन एनॉर्मस लाइट बार दैट यू कैन सी ओवर, ये आपका ऑफ रोड में बहुत हेल्प करता है। एंड अगर फ्रंट एंड में आएंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे इसको मिलता है LED DRL, उसके ठीक बगल में आपको मिल जाएगा इंडिकेटर्स, दैट्स अ हैलोजन बल्ब। नीचे की तरफ आपको इसका हेडलाइट का यूनिट मिलेगा जो कि बम्पर में दैट इज़ ऑफन सीन इन न्यूली लॉन्च कार्स टुडे देखने को मिलता है। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है, हाई बीम के लिए एक स्टॉक हेडलाइट है, और नीचे की तरफ यहाँ मोस्टली ये कॉर्नरिंग लाइट है, स्टेयरिंग मोड़ता है तो ये लाइट जलेगी, विजिबिलिटी इंक्रीज करेगी कॉर्नर की। ऑक्सिलरी लैंप्स जो कि बहुत पावरफुल लग रहे हैं, एंड सामने का ग्रिल इस काइंड ऑफ कवर्ड प्यार ब्लैक फिनिश में है। डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं हर एक गाड़ी में, जैसे कि आप देख सकते हो नेक्सॉन EV, नेक्सॉन, यहाँ पे टो हुक का आपको सेंस मिलेगा, देयर इज अ हुड स्कूप ऑल्सो प्रेजेंट। सो एंड बहुत ही अमेजिंग पेंट स्कीम है गाड़ी का, जैसे कि मैं बता रहा था ये फुल्ली ब्लोन अप गाड़ी है, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड द HBX रादर देन द H2K और द हॉर्नबिल। आपको यहाँ पे गोल्डन कलर के और व्यूज मिलेंगे जिसमें इंडिकेटेड इंडिकेटर्स, नीचे की तरफ थोड़ा ब्रश्ड एल्यूमिनियम, रूफ भी गोल्डन कलर में। सो बेसिकली ये डुअल टोन गाड़ी है, प्यारा ब्लैक फिनिश है चारों तरफ, और एक बार आपको गाड़ी के इंटीरियर्स मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स, ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पे है, ये वाला जो है आपका ये MID स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको गाड़ी के बारे में। एंड इसमें काफ़ी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगे, जैसे आई होप दैट दिस कंपस, दिस इज नॉट अ कंपस, बेसिकली ये कंपस नहीं है, ये एल्टीट्यूड और वो मतलब ग्रेडियंट मेजर करने का है, सॉरी मैंने कंपस बोला है, इसको दूर से दिख नहीं रहा था। सो ये इसमें मौजूद है, ये आप अलग से भी लगा सकते हैं, कंपस यहाँ पे है जैसे कि देखिए आप, बट काफ़ी अच्छी बनाई अंदर से गाड़ी, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड एलिमेंट्स जो है AC वेंट्स के चारों तरफ मौजूद हैं, 7 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे जो कि रेगुलर गाड़ी में आता है, क्लाइमेट कंट्रोल, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स एंड 12-volt सॉकेट, और कुछ चार्जिंग और कुछ स्पेस बॉटल वगैरह रखने के लिए। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है एंड सॉफ्ट टच लेदर्स, लेदर नहीं है बल्कि सॉफ्ट टच मटीरियल्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसको भी आपका डोर हैंडल जो है, जो रियर डोर हैंडल है वो सी पिलर पर मिलता है, ट्रेडिशनल डोर हैंडल की जगह पे नहीं मिलेगा, इट्स ऑन द सी पिलर। एंड इसका रियर सीट सीम्स स्लाइटली स्टिफ, बहुत कुशनी नहीं है, आर्मरेस्ट जिसमें आपको कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे, रियर एसी वेंट्स भी नहीं हैं, एंड ये एक रस्सी रखी हुई है, इसीलिए ऑफ रोड गाड़ी है तो रस्सी होना ज़रूरी है। सो एंड इसके विंडोज जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री खुलते हैं, सो इनग्रेस एंड एग्रेस इज़ रियली ईजी, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये थी दोस्तों टाटा की HBX कॉन्सेप्ट
अच्छी कॉन्सेप्ट भी बोलेंगे, दिस इज दे हैव अनवील द कार, सो दिस इज द HBX, इसको आप लोग H2K या फिर सॉरी जिसको आप लोग H2X या फिर हॉर्नबिल के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्जन है स्पेशली ऑफ रोड वर्जन है, इसकी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रवीण साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम।